कहां गया यूपी के सुल्तानपुर का भाजपाई गुंडा, मांगता है रंगदारी, चूसता है गरीबों का खून, रंगदारी न मिलने पर लाठी डंडे हाकी कोड़े और चेन से करता है पिटाई। सत्ता है तो फिर पुलिस क्या करेगी, पुलिस का मजाल क्या कि उसे छेड़ेगी। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का टॉर्चर रूम भी बनाया है, जिसमें लोगों को बुलाता है, न आने पर उठवा भी लेता है, उसके गुर्गे जाते हैं उठा करके ले आते हैं और टॉर्चर रूम में पटक देते हैं। उसे उस टॉर्चर रूम में वह मुर्गा बनाता है, बेरहमी से पिटाई करता है। उसके शिकार दर्जनों लोग हुए, मार खाकर भी लोग चुप हैं, क्योंकि उसका प्रभाव नीचे से ऊपर तक है, वर्तमान में सत्तासीन दल का गुंडा जो है। किंतु संविदा चिकित्सक के मामले में उसने नीचता और मानवता की समस्त हदों को पार किया, घंटों घंटों तक सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर चिकित्सक को पीटा। बताते हैं ड्रिल मशीन का भी प्रयोग चिकित्सक के शरीर पर करके उसको मृत अवस्था में पहुंचाया गया। डॉक्टर अपने जान की भीख मांगता रहा, किंतु इन राक्षसों को तनिक भी तरस नहीं आया। चिकित्सक अधमरा हो गया, तब भी उसे पीटते रहे, जब तक भागने की सामर्थ्य थी भागता रहा, अंत में गिरा तो फिर उठ नहीं पाया। जब तक सांस चलती रही तब तक अत्याचार की समस्त सीमाओं को अंजाम देते रहे। यह कुकर्मी मामला सुल्तानपुर का है, सुल्तानपुर के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। 5 विधानसभाएं यहाँ हैं, 1 लोकसभा का क्षेत्र है, और आरोपी भाजपा युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष है। भाजपा युवा मोर्चा यूथ विंग, जब इतना बड़ा गुंडा है तो उसे कोई ना कोई पद तो मिलना ही चाहिए। ऐसे पद तो गुंडों को मिलेगा, जमीन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको मिलेगा, जिनके पास लग्जरी गाड़ियां होंगी उनको मिलेगा। अब तो जो कार्यकर्ता हैं, जो गरीब हैं, दरी बिछाएं, जिंदा बात करें और बस इतना ही, इससे अधिक क्या। नाम है चंदन नारायण सिंह, जो भाजपा युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष है। हम आपको ले चलते हैं सुल्तानपुर में, जहां वर्तमान समय में लोकप्रिय चिकित्सक घनश्याम तिवारी की नृशंस हत्या पर आम जनता में काफ़ी उबाल है। ऐसी कहानी आपने फिल्मों में देखा होगा, कदाचित पढ़ने का मौका भी मिला होगा, किंतु यहां तो दिल को झकझोर देने वाली घटना जो घटित हुई है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जहां अपराध के समूचे उन्मूलन की बात करते हैं, अपराधियों को कहते हैं ठोंक दो, ऊपर भेज दो, सीधा संदेश देते हैं, यहाँ तक कह दिया कि जो अपराध करेगा, जो अपराधी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा, आबरू लूटने का साहस दुस्साहस करेगा, अगले चौराहे पर उसे यमराज मिलेंगे। ठोके भी जा रहे हैं, पैर में भी ठोके जा रहे हैं, ऊपर भी भेजे जा रहे हैं, गाड़ियाँ भी पलटती हैं। फिलहाल बहुत दिन से कोई गाड़ी पलटी नहीं है, लेकिन इसकी गाड़ी कब पलटेगी, जो आपके युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष है, कौन दे रहा है उसको संरक्षण? क्या उसकी गाड़ी जल्द ही पलटेगी? क्या वह भी पुलिस की राइफल छीनकर भागेगा और पुलिस उसे उलाट देगी, उसे भी मुठभेड़ में ऊपर भेजेगी, या सटीक निशाना उसके पैरों में लगेगा? कब लगेगा? फिलहाल वह फरार है और यह घटना 23 सितंबर की है। अकूत संपत्ति उसने गुंडई और अराजकता के बल पर पैदा किया है। क्या उसके मकान पर भी चलेगा बुलडोजर? क्या उसकी जमीन को कुर्क किया जाएगा? बुलडोजर चला है, उसने ऑफिस बनाया था, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, और वहीं टॉर्चर रूम भी था, उसको ढहा दिया गया। बताया गया कि खराब जमीन पर, यह सही जमीन नहीं थी, इस पर इसने बनाया था। भैया जब बना रहा था तब ध्यान नहीं आया, मोटे मोटे अक्षरों में भारतीय जनता पार्टी और फोटो लगा था, और तब समझ में नहीं आया, जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो बुलडोजर पहुंच जाता है। सुल्तानपुर की घटना जिसको मैंने बताया 23 सितंबर की है, और आपको हम अवगत करा रहे हैं कि लंभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत सखौली कला गांव के निवासी डॉक्टर घनश्याम तिवारी सुल्तानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयसिंहपुर पर चिकित्सक थे। डॉक्टर घनश्याम तिवारी काफ़ी लोकप्रिय थे और मरीजों को देखते थे, मरीज भी उनसे खुश रहते थे। उन्होंने एक छोटा सा प्लाट अजय नारायण सिंह और चंदन नारायण सिंह तथा विजय नारायण सिंह से खरीदा था। यह लोग एक साथ जमीन का व्यापार करते थे। पूरा पैसा चुकता करने के बाद रजिस्ट्री हुई थी, रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज की कार्रवाई भी संपन्न हो चुकी थी, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं हो रहा था। कब्जा के लिए भी इन भू माफियाओं को, गुंडों को, सत्ता
का जिन्हें प्रश्रय था सत्ता के पदाधिकारियों को और भी पैसा चाहिए था, 50,000 रुपये कई बार घनश्याम तिवारी ने उनको दिया, ऐसा बताया जा रहा है। शनिवार को फिर से चंदन ने डॉक्टर को अपने कार्यालय में बुलाया। टॉर्चर रूम में बुरी तरह से पीटने के बाद सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके पीटा। बताया जाता है कि डॉक्टर घनश्याम ने उस दिन कहा कि चाहे जो भी कर लीजिए, अब हम पैसे नहीं देंगे, हमारे पास है नहीं। दम टूटने के बाद डॉक्टर घनश्याम को ऑटो में डालकर घर भिजवा दिया गया। घनश्याम की पत्नी निशा का हस्ताक्षर कराकर पुलिस ने मात्र एक आरोपी अजय नारायण को ही अभियुक्त बनाया। मामला जब तूल पकड़ा तो पुलिस ने अन्य आरोपियों के नाम की तहरीर तो लिया, किंतु अभी तक अपराध दर्ज नहीं किया गया है। मृतक परिवार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मुलाकात करते हैं। अभियुक्तों पर 50,000 रुपये इनाम रखा जाता है। एसटीएफ ने इस मामले में एक आरोपी विजय नारायण को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। सुल्तानपुर में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 4 विधायक भाजपा के ही हैं, यानी सत्तासीन दल के हैं, और एक विधायक सपा का है। इस मामले में कुछ लोगों ने जातीय रंग देना शुरू किया, लेकिन जो क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए कुछ जागरूक लोग हैं, उन लोगों ने भी संवेदना व्यक्त किया और उन लोगों ने शोकांजलि सभा का आयोजन करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा, पूरी बिरादरी इसे नहीं छोड़ा जा सकता। जहाँ तक एक जाति विशेष से जुड़े हुए यानी ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए घनश्याम तिवारी के लिए भी अगल बगल के जनपदों से काफ़ी लोग जुटे, कुछ लोगों ने आर्थिक सहयोग भी किया, कुछ लोगों ने घर बनवाने की बात किया, ऐसे कहा गया। वहाँ की सांसद हैं मेनका गांधी, अभी तक उनका आना नहीं हुआ है। उन्होंने एक पत्र जारी करके इसके लिए निंदा किया है और यह करते हुए उन्होंने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लिया। जो पहले पवन पांडे थे शिवसेना के, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, और समाजवादी पार्टी के संतोष पांडे इत्यादि ने शोक सभा में भाग लिया और आर्थिक मदद करने की भी बात किया। मांग की जा रही है कि 1 करोड़ रुपए मृतक परिवार को दिया जाए, क्योंकि एक ही लड़का है जो तीसरी क्लास में पढ़ता है, पूरा परिवार उजड़ गया। परिवार के लिए नौकरी की मांग की गई है, पढ़ाई के लिए खर्च देने की मांग की गई है, अभी तक प्रशासन ने कुछ किया नहीं है। सुना जा रहा है कि एक हथियार दिया है, हथियार क्या करेगा, एक रिवाल्वर कुछ कर नहीं पाएगा। हथियार तो एक बहाना है कि हथियार से रक्षा होगी, हथियार की रक्षा करने में ही आप रह जाएंगे, ऐसे तो आप फ्री हैं। बताते हैं, एक ईंट का टुकड़ा अगर ले करके आप सामने वाले पर कर रहे हैं तो पिस्टल और रिवाल्वर वाला पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसकी जितनी क्षमता है उसके गोली की, उससे अधिक अगर आपके इसमें बल है तो आप मार करके उसका सिर तोड़ देंगे, उसको पीछे हटा देंगे। तो रिवाल्वर पिस्टल तो एक बहाना है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक शस्त्र लाइसेंस का जारी किया गया है, बुलडोजर कब इनका घर गिराएगा और कब इनके पैरों में गोली मारी जाएगी, कब राइफल छीन कर यह भागेगा, कब इसकी गाड़ी पलटेगी, यह कहना काफ़ी कठिन है। फिलहाल इस मामले को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है। हमारा कहना ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ऐसे लोगों का पक्ष लेंगे, मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करा करके अपने जो मुख्यमंत्री का पद है उसकी जो संहिता है उसका पालन कराएंगे। फिलहाल सुल्तानपुर में यह जो आग सुलग रही है, यह धधक न जाए, इसकी चिंता हमें आप और सभी को करनी है। घनश्याम तिवारी, डॉक्टर घनश्याम तिवारी के परिवार, प्रदेश सरकार उचित मुआवजा दे और ऐसी घटनाओं पर विराम लगे। जो ऐसे लोग हैं उनकी भी गाड़ी पलटनी चाहिए। प्रणाम, नमस्कार।